समालका की अनाज मंडी में पहुंचने पर किसान नेता राकेश टिकैत का किसानों ने किया जोरदार स्वागत। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती वो इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 27 सितम्बर भारत बंद का जो संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया हुआ है उसका वो समर्थन करते हैं। वहीं उन्होंने दुकानदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों और किसानों से अपील की कि वो 27 सितंबर के भारत बंद में बढ़ चढ़ कर भाग ले। भाई हम भारत बंद कर रहे, सील बंद नहीं कर रहे, बिल्कुल भारत बंद है, सील बंद नहीं है जी। सरकार, प्रेस के लोग और फिर बाद में कहेंगे जी सफल नहीं हुआ, ठीक है। हम पूरा सरकार डाल लाठी ले गए, निपटे सड़क पक्षी दूर चला ठीक देंगे, जो बात के लोग निकलते रहेंगे। जो एम्बुलेंस है, जो बीमार आदमी है कागज पत्र ले रहा, कोई स्टूडेंट है, किसी का पेपर वेपर है, सब्जी की गाड़ी है, दूध की है, तो ये मिलिट्री की है, ये आती आती रहेगी। और लोग कल सड़क पे ना चले, सहयोग करें, ये जनता के सहयोग से ही होगा। दूसरे वाले जो लोग करते थे, पॉलिटिकल पार्टी वाले के लेकर बैठ के तोड़ फोड़ कर रहे, वो कर रहे उसमें नहीं। और जहाँ पे भी रुके हैं, हाँ जी, अगर कोई आदमी उसमें फंस गया, रिक्वेस्ट करें उससे, उसके पानी का इंतजाम रखें, उसको दूधदार लस्सी का इंतजाम रखें, केड़े फल फ्रूट का इंतजाम रखें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा होगा सर, क्योंकि ये जनता के सहयोग से होगा। दुकानदारों से भी अपील है कि वे भी इसमें कल सहयोग करें। एक दिन का मामला है तो सब लोग उसे अपील है हमारी, दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, जितने भी मिलर्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें सहयोग करें। एक दिन अपना बंद रखें, लंच के बाद में 3-4 बजे राजस्थान में तो 4 बजे दूसरी वो शुरू होती है, क्योंकि गर्मी में राजस्थान में तो 4 बजे वैसे ही फिर सरकारी ऑफिस 4 बजे खुलते हैं। 2-3 घंटे बंद रखें, 2-3 घंटे बंद रखें, तो इसमें भी सहयोग करें, लंच से पहले सहयोग करें और 3-4 बजे अपना फिर खोलें। 2 मिनट रुक जाओ, कम से कब तक बंद रहेगा ये? सुबह से ही है, 6 बजे से ही है। ठीक है सर, करीब साल भर हो गया सरकार अधिकारियों को अपनाए हुए हैं, आंदोलन कब तक चलेगा भाई? ये तो सरकार ही बताओ, ये एक आधा सवाल सरकार में भी छोड़ दे सर, सारा अपने आप ही छोड़ दे। जब सरकार की समझ में आ जाएगा, जब वो बातचीत कर लेगी, हमारे 3 काले कानून वापसी ले लें, MSP पे गारंटी कार्ड दे दे, बनाए, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आगे की कमेटी बन जाए, जो भी और मसले हो वो कमेटी तय करेगी। मतलब आप ये कहना चाहेंगे बीच में अगर कोई संशोधन की बात आती है तो एक कमेटी बना के उसके बाद? नहीं नहीं, ना। 3 काले कानून वापसी, MSP पे गारंटी कानून, उसी के साथ में कमेटी बनेगी। फिर गारंटी कार्ड कह रहे थे आप, कानून जो कानून बन जाए ना, कार्ड तो है ना, गारंटी कानून, कानून और कार्ड एक ही चीज़ तो है, ATM कार्ड हो, कानून थोड़ा हो। जब 3 काले कानून वापस हो गए फिर तो MSP कोई बात ही नहीं रही, फिर तो सारे की बात है MSP की जी। नहीं वो तो फिर कॉमन बात होगी ना, जैसे पहले बिक रही है जी, ऐसे नहीं बिगड़ेगी, वो आंदोलन एक ही चल रहा है, दूसरी फिर दूसरे दिन फिर आऊंगी हम। अच्छा, ये आगे ना आए, अब तो जुड़ रहा अपना भाई, तो रोटी सी भी सीख रहे हैं, कवा चढ़ रहा है, आगे ना आई है, मतलब ऐसी नौबत ना, कानून और MSP की गारंटी साथ लेकर जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दल भी बंद का समर्थन कर रहे हैं, हाँ समर्थन कर रहे हैं, देखेंगे वे आओगे तो सड़क सुरक्षा। टिकैत साहब, आपने 9 महीने पहले ये कहा था कि भाई इनको ये बता देंगे, भाई रुको, इनको ये बता देंगे सरकार को, अगर ये नहीं माने तो इनके गोला लाठी दे देंगे। ये गोला लाठी तो दे रखी, तो वो गोला लाठी आपने, मैंने देखा था, करके भी दिखाया था, क्या होगा गोला लाठी वाह बच्चों को भी सिखा दिया आपने। तो ये गोला लाठी का इस्तेमाल गोरिल्ला युद्ध में होता था इसका, के सामने वाले को नुकसान भी ना पहुंचे और वो हमारे पर हमला भी ना कर पाए, हम इसको नुकसान भी इसको ना पहुंचे और ये हमें हमला भी ना कर पाए, हमारा टाइम निकले। इसी भाषा यहाँ सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ठीक है ठीक है।
हमको नहीं कहा, उनको कोर्ट को पता है कि हमने रास्ते नहीं रोक रखे। जी जी जी, रास्ते सरकार ने, रास्ते सरकार ने रोक रखे। सरकार को उन्होंने कहा कि सरकार अपना खोल देगा रास्ता। भाई जहाँ हमारे बीच से अभी भी लोग चल रहे हैं, वे सिंह गाँव में को उसमें को जा रहे हैं, आगे से थोड़ा सा और खोलते हैं वहाँ को निकल जाएंगे। हमारे पे क्या कुछ अगला कदम कह रहे हैं सर, इसके बाद कोई अगला कदम आपका क्या होता, क्या सब कहते कोई ऐसे ज्योतिषी है वाक्य के, या उन्होंने वो किसान का पंचाल बना रखा, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा फिर, क्या होगा होता रहेगा तो जैसा टाइम आता रहेगा सर भी आ जाएगा। यूपी के इलेक्शन नजदीक है तो राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेंगे या किसान अपने हिसाब से चलेंगे? किसान समर्थन किसी का नहीं करता, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। अच्छा, यूपी चुनाव ठीक है साहब, जो हमारा काम नहीं करेगा वह हम उसके खिलाफ करेंगे। ठीक है साहब, एक वीडियो आई थी जो मुजफ्फरनगर में रैली थी हमारी, उस रैली में एक वीडियो आई थी, एक पूनम पंडित है एक लड़की जो उसमें रो रही है कि भाई हाँ हमारे को खोली भर के उतार दिया, हमारे को ऐसे उतार दिया, मैं आंदोलन में आई हुई। वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा लोग थे। जी जी, अब 20 लाख का आदमी कौन हिसाब रख सके, कौन हिसाब रख। नहीं, उसमें आपने ये भी कहा था, आपकी वीडियो भी है कि भाई ये पूनम पंडित और ये बाकी भाई ये सारे नीचे जाओ भाई। नीचे कुछ सामने लोग बढ़ते पीछे हो जाओ, उनको कहा था कि पीछे हो जाओ और व्यवस्था बनाए रखो, ड्यूसेंस कर रहे थे 50 लोग, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। ठीक है साहब, यूपी बहुत लंबा चौड़ा जगह है, इतनी बड़ी, उसमें आप चुनाव का किस रूप से लोगों को मोटिवेट कीजिएगा कि भाजपा का विरोध करें? इसके जनता तो वोट देंगी नहीं, नहीं ये आपको है मतलब पक्का वो जीतेंगे 100%? अच्छा जी, गुंडागर्दी से, सरकारी गुंडागर्दी आपने देखी कभी? हाँ देखी जी। तो ठीक है साहब, हरियाणा में कई जगह देख रखी है, तो जिला पंचायत में यही हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है, देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं। इसके बाद में विद्रोह होता है। जी जी, इसके बाद में जी विद्रोह की स्थिति होती है, जनता फिर विद्रोह करती है, फिर इसके बाद जब वो स्थिति आ जाएगी। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।